प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हटाए गए हैं, लेकिन उत्तराखंड से अगर रिप्रेजेंटेशन की बात हो तो अजय भट्ट मौजूद हैं आज इस बैठक में जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। वहीं बंगाल से मंत्री देवश्री चौधरी को भी हटाया गया है। हिमांशु मिश्रा मौजूद है प्रधानमंत्री आवास से हमारे साथ। हिमांशु, नई जानकारी कुछ पहुंच रही है आपके पास? जी बोलिए हिमांशु। बैठक चल रही है और एक घंटे के देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि एक नाम और जोड़ लीजिए जिनको ड्रॉप किया जा सकता है, वो है सदानंद गौड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक से आते हैं, वोकालिका समुदाय से आते हैं, उनको भी हटाया जा सकता है। केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे अनंत कुमार के बाद, उनको ये मंत्रालय दिया गया था डेथ के बाद और वही कंटिन्यू किया गया था 2019 से लेके अभी तक, और स्टेटिस्टिक भी था उनके पास। लेकिन जो हमारी सूचना मिल रही है, सदानंद गौड़ा को भी ड्रॉप किया जा सकता है। उनको भी साफ साफ पार्टी की तरफ से इशारा दे दिया गया है कि आज शाम तक आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि कर्नाटक के अंदर जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं इस वक्त, येदुरप्पा के खिलाफ जिस तरीके से पार्टी के अंदर आवाज उठने लगी है, ये कहा जा रहा था कि सदानंद गौड़ा उन आवाजों को बल दे रहे हैं। और सदानंद गौड़ा की परफॉर्मेंस को जिस तरीके से देखा गया कोविड के दौरान, क्योंकि केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंडर ही जो है मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स आती हैं और उसको लेकर पूरी कमान जो है वो उनके MOS मनसुख मंडाविया ने संभाली थी। सदानंद गौड़ा अगर आप देखें तो पूरी पिक्चर में बहुत कम नजर आए थे जब कोविड की दूसरी लहर थी और मेडिसिन को लेकर त्राई त्राई थी, रेमडेसिविर हो या ब्लैक फंगस की मेडिसिन हो, उन सब को लेकर जब त्राई त्राई थी तब सदानंद गौड़ा कहीं पिक्चर में नजर नहीं आते थे। मनसुख मांडविया ने जो है मोर्चा संभाला और पूरी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और फीडबैक लेकर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ टाई अप किया, और उसके बाद जो है एक किस्म से ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर भी मनसुख मांडविया ने बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत के अंदर जिन कंपनियों के साथ टाई अप कराने में वो बहुत बड़ी भूमिका मनसुख मांडविया की थी, इसलिए सदानंद गौड़ा को ड्रॉप किया जा सकता है।